बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी YouTube फैमिली? उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बना रही हूँ चिकन ग्रिल सैंडविच। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने एक पाव बोनलेस चिकन ली है, 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 3 टेबल स्पून योगर्ट यानी दही डलेगा, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून टिक्का मसाला और 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1/2 टीस्पून भुना कुटा धनिया। सॉल्ट इसलिए कम डालेंगे क्योंकि हमने टिक्का मसाला डाला तो उसमें ऑलरेडी होता है। इसे अच्छे से मिक्स करके 15 मिनट के लिए मैरिनेट करने रख देंगे। 2 टेबल स्पून ऑयल लेंगे और अच्छे से फ्राई करके इसको 15 मिनट के लिए पकने छोड़ देंगे। यहाँ मेरे मटर बॉईल हो रहे हैं और जी मेरी चिकन हो गई है रेडी। चलें इसको मैं अच्छे से मैश करके रेशे बना लूँगी। अब इसमें जाएगी हमारे 1 कप कैबेज जाएगा, 1/2 कप कैरेट और 1/2 कप कैप्सिकम। अब उसी पैन में जिसमें हमने चिकन फ्राई किया है उसी में बटर हम 1 टेबल स्पून डालकर अपनी तमाम वेजिटेबल सौते कर लें। यहाँ बना रहे हैं हम अपनी सॉस, और सॉस में तो आपको पता है जो मैं हमेशा ऐड करती हूँ नॉर्मली मायोनीज, केचप, सोया सॉस, चिल्ली सॉस, मस्टर्ड वगैरह। एक हम और चीज ऐड कर रहे हैं ओरिगानो, 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर ऐड करें, इसमें 1/4 कप जो है मिल्क ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने जो वेजिटेबल सौते की है उसमें अपने मटर और चिकन ऐड कर देंगे। नॉर्मल सा ऑमलेट बनाएंगे और इसमें मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चिल्ली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसे भी चाहें तेज कम कर सकते हैं। तो जनाब अब बारी आती है असेंबल करने की। ब्रेड को मैंने सेक लिया था। सबसे पहले हम अपने मिक्सर इसमें लगाएंगे, फिर इस पर एक और स्लाइस रखेंगे, उस पर मायोनीज, केचप लगाकर ऑमलेट रख देंगे, उसके बाद एक और स्लाइस रखेंगे। और ग्रिल पैन पे हल्का सा ब्रश की मदद से ऑयल लगाएंगे, अपना सैंडविच रख देंगे ग्रिल होने, और आप देखिएगा बहुत ही मज़ेदार, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा और बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा। रमज़ान में ये आप लोगों के लिए बहुत ही यम्मी सी रेसिपी होगी, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और इंशाल्लाह आप मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। मेरे लिए बहुत ही अच्छा और बहुत प्यारा गिफ्ट आया है मक्का से, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए गाइस, दुआ में याद रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।